हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो डिफरेंट ब्रिटिशर्स ने एक्ट्स और लॉज लाए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। ठीक है, तो आज वहीं से आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे कैबिनेट मिशन प्लान आता है और कैसे उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है और फिर उसके बाद कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे रूप लेता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The Vedic Academy। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान से। तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने के बाद जो इंडिया है इसे भी ब्रिटेन ने इन्वॉल्व कर लेता है वर्ल्ड वॉर टू, बिना इंडियन लीडर्स के परमिशन के। ठीक है, तो ये काफ़ी इंडियन लीडर्स को खलता है, तो उनको पैसिफाई करने के लिए अगस्त ऑफर आता है 1940 में और फिर बाद में क्रिप्स मिशन प्लान आता है। ठीक है, लेकिन ये जो था ये दोनों ही इंडिया को सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है, 1946 में, और ये फाइनली डिसाइड करता है कि इंडिया में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो कि इंडिया से ही चुने जाएंगे और वो फिर डिसाइड करेंगे कि इंडिया का संविधान या फिर कंस्टिट्यूशन कैसे बनेगा, इसलिए इसका नाम है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो उम्मीद करता हूँ आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या है समझ गए होंगे। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इंडिया से ही सिलेक्ट किए जाएंगे और ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा था प्लान एक तरह से इंडिया के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान से। तो ये 1946 में जैसे मैंने बताया कि फॉर्म होता है और इसके जो तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे आपको याद रखना है, सबसे पहले स्टैफर्ड क्रिप्स जिन्होंने क्रिप्स प्लान लाया था, इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और इसके अलावा पैथिक लॉरेंस। ठीक है, आपको ये तीनों नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि ऑप्शन में दे रहा था कि इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर नहीं थे, तो ये तीनों का नाम रहता है और एक चौथा फिर कोई अलग ब्रिटिशर नाम रहता है। ठीक है, तो स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिशन में क्या डिसाइड होता है? द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी तक जितने भी एक्ट्स लॉज ला रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स, वो ब्रिटिशर्स ला रहे थे, इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं रहता था, इवन सजेशन भी इंडिया देते थे उसे पूरा नहीं किया जाता था। लेकिन फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि पूरा इंडियन लोगों से ही बना हुआ होगा ये डिसाइड हुआ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो पार्ट में बनेगा ये डिसाइड हुआ, एक पार्टली इलेक्टेड और एक पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, तो जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया थे वहाँ से डिसाइड हुआ कि इलेक्टेड होगा, मतलब इलेक्शन होगा और वहाँ से लोग रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा इंडिया में बहुत सारे जगह थे जहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं था, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स हो गए, जो राजा लोग का स्टेट होता था, वो काफ़ी बड़ा एक कह सकते इलाका था। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किंग्स रूल करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर का राज नहीं था। जैसे मेनली इसका एग्जाम्पल आप राजपूत ले लें तो वो जो थे प्रिंसली स्टेट्स में बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना सारा लैंड और राज्य एक तरह से इंडिया को फिर दे दिया था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश रूल्ड जो प्रोविंसेस थे वहाँ से टोटल 296 पीपल इलेक्ट हुए और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से टोटल 93 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ था जब वो फॉर्म हुआ था 1946 में तो उसका था 389। ठीक है, और इसका इलेक्शन कब हुआ था? 1946। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक देश आज़ाद नहीं हुआ है, उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो चुका है इलेक्शन होके। ठीक है, और 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ, फोकस करते हैं कैसे कैसे ये फंक्शन करेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो पहली मीटिंग कब होती है आपको याद रखना है, और इसमें जो वहाँ पे उसमें एक तरह से प्रेसिडेंट चुनना था, तो जो सीनियर मोस्ट वहाँ पे थे मेंबर सचिदानंद सिन्हा, उन्हीं को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। ठीक है, कोई इसमें आपस में इलेक्शन नहीं होता है, जो सीनियर मोस्ट थे सचिदानंद सिन्हा उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, और ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि सेकेंड मीटिंग में ही फिर इलेक्शन होता है आपस में और फिर उनमें फिर सिलेक्ट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। तो सेकंड मीटिंग कब होता है, 11th दिसंबर 1946 को, और फिर इलेक्शन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, और ये परमानेंट प्रेसिडेंट रहते हैं। जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा तब तक यही प्रेसिडेंट फिर रहते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछा जाए तो उसका आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा, और अगर फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। चलिए तो ये सेकंड मीटिंग, अब फिर दो दिन बाद फिर थर्ड मीटिंग होता है, और वो होता है 13th दिसंबर 1946 को, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओआर जिसे कहा जाता है, तो ये एक तरह से गाइडिंग फोर्स एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ लिखे रहते हैं, जैसे कि इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक होगा, इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इन लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ठीक है, और ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो ये सब बेसिक जो कैसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है उसका एक तरह से आइडिया है, ठीक है। इसी के बेसिस पे फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, मोटा कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसी के बेसिस पे फिर बनता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट किया उन्होंने थर्ड मीटिंग यानी 13th दिसंबर 1946 को, और फिर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है सबके द्वारा 22nd जनवरी 1947 को, ठीक है, पास हो जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन में। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काफ़ी दिनों तक तो काम कर रही थी, लेकिन अंदर में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनमें कई लोग चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बने, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग के जो इलेक्टेड लोग थे या फिर जो भी कुछ मेंबर्स थे जो कि चाहते थे पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बने, तो उन्होंने कंटिन्यूस रखा अपना डिमांड कि नहीं, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा। और ये डिमांड फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो आता है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन लाते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान एक अलग स्टेट बनेगा और उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इंडिया एक अलग स्टेट बनेगा और उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी के तहत फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत 14th अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 15th अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स भी फाइनली इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो लॉर्ड माउंटबेटन ने लाया, उनके ही तहत दोनों कंट्री फिर फाइनली फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। भले कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो लीगैलिटीज़ होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स, वो 15th अगस्त 1947 को फाइनली इंडिया आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के जो वाइसरॉय थे, ठीक है, तो उन्होंने ही इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया था, ठीक है। स्पीडी जानते थे कि अब तो आज़ाद होना ही है, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहा है, तो स्पीड करने के लिए प्रोसीजर को ये एक्ट लाया, और फाइनली 15th अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुई, ठीक है। तो आज़ाद होने के पहले इंडिया को अपना नेशनल फ्लैग चाहिए था जिसको वो फाइनली झंडा तोलन कर सके, ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हो तो रेड फोर्ट पे उसे लगाया जा सके। तो 22 जुलाई को यानी आज़ाद होने के पहले 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग जो ट्राइकलर था वो एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं टाइमलाइन के साथ ही इसे लिखते जा रहा हूँ, आपको उसी तरह से याद रखना है, ठीक है। और फाइनली 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। तो जब आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 389 मेंबर्स की थी वो अब डिवाइड हो गई, ठीक है। इसमें से 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए और उन्होंने पाकिस्तान का फिर गवर्नमेंट फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, और 299 मेंबर्स जो इंडिया के थे उन्होंने फिर आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ले गए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 29th अगस्त 1947 यानी आज़ाद होने के सिर्फ 14 डेज़ बाद ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी किस डे में फॉर्म हुआ, एकदम एग्जैक्ट डेट पूछता है, ठीक है। तो 29th अगस्त 1947 आपको याद रखता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया, मेन जो लिखित पाक कैसे वो किस पार्ट्स में होंगे कैसे होंगे वो डिसाइड किया, और इनके चेयरमैन कौन थे, P.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें कभी कभी मॉडर्न मन्नू या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट किया फरवरी 1948 में, ठीक है। उसके बाद 3 रीडिंग्स होते हैं टोटल, ठीक है, और फिर सेकेंड ड्राफ्ट प्रेजेंट होता है, थर्ड ड्राफ्ट प्रेजेंट होता है, और फाइनली 26th नवंबर 1949 को वो तीन ड्राफ्ट के बाद 26 नवंबर 1949 को वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन जब आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फिनिश हुआ या फिर कब बन के तैयार हो गया, ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन तब हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश पे लागू हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को ही हमने क्यों चुना? क्योंकि अब तक हम इसे एज एन इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। ठीक है, 1929 के बाद 1930 में जो लाहौर सेशन हुआ था 26 जनवरी को, तो उससे उसके बाद से हमने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट कर दिया था 26 जनवरी को। ठीक है, और इसी डे को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने फिर इसे रिपब्लिक डे के रूप में एक्सेप्ट किया और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी दिन से लागू हो गया देश पे। ठीक है, अब एक और डेट आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950, क्योंकि ठीक एक्सेप्ट होने के पहले हमारे दो चीज़ एक्सेप्ट हुए, एक और नेशनल एंथम जो था, जो जनगण मन था, वो एक्सेप्ट हुआ एज अ नेशनल एंथम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे अब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के थ्रू फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और 1950 में फाइनली एक्सेप्ट हो गया। तो फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है तो उसमें जो उस समय आर्टिकल्स थे वो थे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो थे 395। ठीक है, आपको याद रखना है, ऐसे हम बाद में भी नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस अच्छे से करेंगे। इसके अलावा पार्ट्स जो थे वो 22 पार्ट्स थे और जो शेड्यूल्स थे वो 8 थे। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, और ये धीरे धीरे अमेंडमेंट के साथ बढ़ते गए, लेकिन जब बना था तो आपको ये 3 थे आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल वक्त कितना लगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए, अभी हमने जो जो डेट्स डिस्कस किए उन टाइमलाइन को फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ, 1946 में हुआ। फर्स्ट मीटिंग फिर होता है 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा सिलेक्ट होते हैं एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट। सेकेंड मीटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। फिर थर्ड मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ओआर प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिर कुछ डिस्कस होता है, फिर पास फाइनली कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसके बाद नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट होता है 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि अब देश आज़ाद होने वाला था, डिसाइड हो गया था, हमें एक ट्राइकलर चाहिए था, हमारा फ्लैग चाहिए था नेशनल, तो हमारा फाइनली फ्लैग एक्सेप्ट होता है 22 जुलाई 1947। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, और ड्राफ्टिंग कमेटी फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म होता है 29 अगस्त 1947 को, जिसमें बी आर अम्बेडकर चेयरमैन रहते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फिर फॉर्म हो जाता है हमारा 26 नवंबर 1949 को, 3 ड्राफ्ट उसमें प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, और फिर हमारा नेशनल एंथम सिलेक्ट हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं 24 जनवरी 1950 को, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, यानी लागू हो जाता है देश पर। और इसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद हमारा पार्लियामेंट चुना जाएगा, और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत फिर हमारा देश रूल किया जाएगा। तो याद कर लीजिए आप इन सबको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में बना है, उनको बनाने के लिए हमने कहाँ कहाँ से सोर्सेज लाए, किस देश से क्या सोर्स लाया, और फिर ये कैसे कैसे बना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करें। अगर पसंद किया तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम पे सिर्फ 11 रुपये देकर सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।